पार्ट है, बड़े ध्यान से समझिएगा। इसमें हम तीसरे अलंकार पाश्चात आधुनिक अलंकार की बात करेंगे। तो अलंकार तीन प्रकार के होते थे, पहला था शब्द अलंकार, दूसरा था अर्थ अलंकार, हमने कहा। अब तीसरा अंतिम पाश्चात या आधुनिक अलंकार, मतलब वह अलंकार जो आजकल के कवि यूज करते हैं उसे बोलते हैं पाश्चात या आधुनिक अलंकार, या पाश्चात मतलब जो पश्चिमी सभ्यता से आगे। पहला है मानवीकरण अलंकार, इसको पर्सोनिफिकेशन भी बोलते हैं। देखिए क्या है, अमानव। अमानव से मतलब क्या है, जो मानव नहीं है, जो इंसान नहीं, जैसे पशु पक्षी पेड़ पौधे में मानवी, मानवी मतलब हम इंसान, गुणों का आरोपण करना। मानवी गुण क्या होते हैं, आप सुबह से जब से उठते हो और रात में जब तक सो नहीं जाते हो, तो आप जो जो करते हो वो सारे काम मानवी गुण, इंसानी गुण कहलाता है। तो जब कभी भी पशु पक्षी पेड़ पौधे के अंदर, मतलब जो इंसान नहीं है उनके अंदर इंसानों वाले गुण को हम क्या कर दे, आरोपित कर दे, बोल दे, उसे बोलते हैं मानवीकरण अलंकार। बड़े ध्यान से सुनिए, जगी वनस्पतियां अलसाई मुख धोती शीतल जल से। मतलब क्या है, जगी वनस्पतियां, वनस्पति से मतलब होता पेड़ पौधे, जगी वनस्पतियां अलसाई मुख धोती शीतल जल से। ये प्रसाद जी की रचना, जयशंकर प्रसाद जी की रचना, क्वेश्चन ये भी आ जाएगा रचना की जयशंकर प्रसाद जी की। क्या आपको लगता है कि कभी भी पेड़ पौधे उठेंगे और अपना मुंह धोएंगे, ऐसा लगता है आपको? ऐसा कभी भी नहीं होता कि पेड़ पौधे उठेंगे और अपना क्या धोएंगे, मुंह धोएंगे। लेकिन कवि क्या कह रहे हैं कि पेड़ पौधे सुबह सुबह उठते हैं और अपना मुंह धोते हैं शीतल जल से। ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता है। जैसे पेड़ पौधे सुबह सुबह, आपको पता होगा कि ओस की बूंदे गिरती है, तो पेड़ पौधे भी सुबह सुबह उठते हैं तो गीले रहते हैं। तो कवि उसी को बोल रहे हैं कि ये हुआ क्या है कि वनस्पति पेड़ पौधे सुबह सुबह उठे और अपना इन्होंने क्या किया, मुंह धोया। तो मुंह धो, मुंह केवल इंसान धो सकता है, ये मानवीय गुण है। लेकिन हम पेड़ पौधे को भी बोल रहे हैं कि पेड़ पौधे ने अपनी मतलब क्या किया, मुंह धोया। तो यही चीज है कि अमानव गुण जो है, जितने भी अमानव है उनमें अगर मानवीय गुण, इंसानों वाले जो गुण है अगर हम आरोपित कर दे, बोल दे, उसे कहते हैं मानवीकरण, मानवीकरण अलग का। अगर कभी कुछ ऐसा आएगा झालर देती। लेकिन राजू श्रीवास्तव अपने फेस से क्या कर रहा है, बता रहा है कि वो ऐसा मुंह बनाती है। तो कुछ भी ऐसा करना जो अमानव है उनमें मानवीय अगर गुण को आरोपित कर दिया जाए तो कहलाता है मानवीय। फिर दूसरे नंबर का है पाश्चात अलंकार, ध्वन्यर्थ व्यंजना अलंकार। ऐसे शब्दों का प्रयोग जिनसे वर्णित वस्तु, जो बोली गई वस्तु प्रसंग है, उसका ध्वनि चित्र अंकित हो जाए। क्या मतलब है कि कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करना कि जैसे आप उस शब्द को सुनो तो आपके माइंड में पिक्चर क्रिएट हो जाए, उसे बोलते हैं ध्वन्यर्थ व्यंजना। जैसे लिखा है चरमर चरमर चू चरमर जाहि भैंस गाड़ी, ये रचना है भगवती प्रसाद वर्मा की। तो चरमर चरमर चू चरमर जाहि चली भैंसा गाड़ी, इसको पढ़ने से आपके माइंड में चीज आ गई कि चरमर चू चरमर मतलब भैंस गाड़ी की बात हो रही है। तो जब कभी कुछ ऐसे शब्द यूज किए जाए कि आपके माइंड में पिक्चर फिगर जा, पिक्चर चल लगे, उसे बोलते हैं ध्वन्यर्थ व्यंजना अलंकार। फिर तीसरा अंतिम है पाश्चात अलंकार के अंदर विशेषण विपर्यय अलंकार। विपर्यय मतलब होता है स्थान बदल देना, विपर्यय मतलब क्या है, स्थान बदल देना। तो विशेषण विपर्यय अलंकार में होता क्या है कि इसमें विशेषण का स्थान बदल दिया जाता है। लिखा है इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती है। पहले विशेषण समझ लीजिए क्या होता है, लड़का मोटा, तो लड़का हो गया विशेष। और लड़का कैसा है, लड़का एक ही है जो क्या है, मोटा है। तो ये मोटा क्या है, विशेषण। अब रागिनी, रागिनी से क्या मतलब, जिसके अंदर राग है वो क्या है, रागिनी। रागिनी के अंदर क्या लगा, अब ये रागिनी नॉर्मल ले रहे, इसके साथ क्या लगा है, विकल। विकल क्या होगा, इसमें विशेषण हो गया। तो विशेषण किसके साथ लगा है, रागिनी के साथ। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि
कि रागनी जो है वो विकल हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये कवि का हृदय विकल है। समझ में आ गया क्या चीज है? विशेषण का जब भी स्थान बदल दिया जाए, विशेषण का जब भी स्थान बदल दिया जाए वहां पे विशेषण विपर्य अलंकार होता है। लिखा इस करुणा के लिए हृदय में अब विकल रागनी बदली, विकल मतलब व्यथित मतलब बेचैन। तो रागनी कभी भी खुद व्यक्त विकल नहीं हो सकती है क्योंकि रागनी को कुछ एहसास नहीं होगा। तो विशेषण लगा रागनी के साथ, लेकिन ये बात हो रही है कवि के हृदय, मतलब विकल कौन हो रहा है? विकल रागनी नहीं हो रही है, विकल हो रहा है कवि का हृदय। तो जब कभी कुछ ऐसा भाव आए जिसमें विशेषण का स्थान बदल दिया जाए वहां पर होता है विशेषण विपर्यय अलंकार। दोस्तों इस तरह से अलंकार पूरी तरह से कंप्लीट होता है। आई होप आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। हमने छोटी छोटी बात को आपको बताने की कोशिश करी है। हमारा पूरा मतलब टारगेट ये है कि आपको पता है कि एमपी फॉरेस्ट गार्ड का फॉर्म आया है, इसमें हिंदी आती है, हिंदी आएगी। तो हमने अब हिंदी तो कम्प्लीट हो गई, लग रहा है इंग्लिश से वीडियो भी बनाएंगे। तो अगर आपको अच्छी तैयारी करनी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन होता है उसको क्लिक कर लें, दबा लें। तो जो भी मैं